हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में मैं शेयर करने वाला हूं, मैं अपने लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। दोस्तों एक्सपीरियंस ये रहने वाला है कि दोस्तों हमने सोना गिरवी रखा हुआ था पैसे की ज़रूरत की वजह से, तो कोई भी आदमी कोई भी सामान गिरवी ज़्यादा ज़रूरत की वजह से ही रखता है। तो मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हमने गिरवी रखा था। तो उस गिरवी रखने से हमको क्या क्या सीख मिला है और क्या क्या अनुभव हुआ है वो आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको कुछ जानकारी भी मिलेगा और कुछ सीख भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करो। दोस्तों कोई भी सामान लंबे समय के लिए जब खरीदते हैं, जैसे कि सोना ही हो गया, तो अच्छे से ठोक ठा के लेना चाहिए, अच्छे से जानकारी करके और अच्छे दुकान से लेना चाहिए, लाइसेंसी दुकान से लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमने जो सोना लिया था वो ऐसे फेरी वाला से और बिना लाइसेंसी दुकान जो होता है गांव घर में चौक चौराहा पे, इससे लिया था। तो हमको जो है ना सोना जो लिया था उसका बिल नहीं मिला था। तो जब पैसे की ज़रूरत हुआ तो जब बेचने की कोशिश किए तो दुकान जिस भी दुकान पर जाते थे तो बिल मांगता था। बिल रहने पर जो है ना पूरा कन्फर्म हो जाता है कि किस तरह का सोना है, क्या है ना है, पूरा तरह से मालूम हो जाता है। तो उसका दाम अच्छा मिल जाएगा अगर जरूरत रहेगा पैसा का उस समय अगर बेचने जाएंगे तो। लेकिन अगर आप ऐसे फेरी वाला भी बहुत बड़ा घूमता है सोना वाला, या आम मतलब कि बिना लाइसेंसी दुकान वाले से लेते हैं, तो वो बिल पक्का बिल नहीं देता है। पक्का बिल ना देने की वजह से जो है ना आपको बिल नहीं रहेगा। तो सोना तो लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन वो उसमें मिलावटी भी रहता है वो तो अलग की बात है, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो उस समय कोई लेगा ही नहीं, बिना बिल का कोई लेगा ही नहीं। यही हमारे साथ हुआ। ये जितना ही सोना था, लेकिन सोना था गोल्ड था, और लेकर गया तो सारे कोई लगभग 10 दुकान में गए होंगे, अपने लोकल बाजार का जो दुकान था वहाँ से लेकर के सीतामढ़ी टाउन के दुकान तक गए, लेकिन कहीं भी कोई नहीं लिया। सब बिल मांग रहा था, बिल मांग रहा था, लेकिन कोई भी नहीं लगा रहा था। 60-70 हज़ार का सोना का दाम मात्र 15,000-20,000 लगा रहा था, क्योंकि बिल नहीं था इसकी वजह से। लेकिन वहीं पर अगर बिल रहता तो मात्र कितना 10%, 10 से 15% काट करके जो है ना हमको रेट मिलता, बेचना चाह रहे थे तो। लेकिन नहीं मिला, लेकिन लास्ट में जा करके जो है ना 60-70 हज़ार का गहना और बेचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, जिससे 3 गुना जो है ना डाउन में हमको बेचना पड़ जाएगा। इसलिए हमने बेचा नहीं, गिर भी रख दिया। तो 50,000 का सामान का मात्र 20,000 रुपया हमको मिला था ब्याज पर। और आप लोग को सभी लोगों को तो मालूम ही होगा कि कोई भी सामान गिर भी रखते हैं तो मजबूरी का कारण ही रखते हैं। तो दुकान वाले को भी मालूम रहता है कि मजबूरी ज़्यादा है इसीलिए तो गिर भी रख रहा है। तो वो भी जो है ना जब पैसा देगा, गिरवी रखेंगे पैसा देगा, तो वो पैसा का ब्याज बहुत ज़्यादा लगाता है। जो गांव घर में जो ब्याज चलता है ना उससे बहुत ज़्यादा लगाता है। तो हमको भी वैसा ही हुआ, गिरवी रखे तो ज़रूरत तो था ही। नहीं कहते हैं कि जो कहावत भी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो 20,000 रुपया मिला और भी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर मिला, गाँव घर से या बैंक से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा में मिला, क्योंकि मजबूरी था इसलिए हमको लेना पड़ा। तो यही है दोस्तों, जब भी आप सामान लेते हैं तो अच्छे से लंबे समय के लिए जब लेते हैं तो अच्छे से लाइसेंसी दुकान से लीजिए। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो GST चार्ज सब ले करके जो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो जो है ना असली चीज़ होगा और पूरी तरह से जो है ना लाइसेंसी यानी कि बिल आपके पूरा प्रूफ के साथ आपको होगा। तो पैसे की जरूरत होगा उस समय में दोस्तों, अच्छा रेट भी मिलेगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। और दोस्तों रहा बात गिरवी कैसे रखते हैं, तो दोस्तों सोना लेके गए, सोना देखा, बिल रहेगा तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं बिल रहेगा तो थोड़ा परेशानी होगा। तो उसी हिसाब से अगर बिल नहीं है तो 4 गुना 5 गुना कम पैसा देगा। जैसे 50,000 का सामान है आपका, गोल्ड है, 10,000 का सामान है, तो 15 से 20,000 रुपया देगा। इस तरह से आपको कम 3 से 4 गुना कम देगा, ताकि आप ब्याज अगर लास्ट में देते पैसा देते समय या पैसा नहीं भी दिए, 15,000 रुपया 20,000 रुपया ले लिए और 4-5 महीने 6 महीने जो भी टाइम देता है
और जो दोस्तों गिर भी जाता है कोई सामान ना, ज्यादा दिन का समय नहीं लगता, 3 से 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 9 महीना, उससे ज्यादा नहीं लगता है। और दोस्तों टाइम होने से पहले, जैसे कि अभी 4 महीना 6 महीना का टाइम दिया, 4 महीने 5 महीना होते होते या टाइम देने से, टाइम पूरा होने से पहले कितना बार आपको कॉल करके बता देगा कि टाइम पूरा होने वाला है, पैसा दे दीजिए या ब्याज भी कम से कम दे दीजिए, ताकि आपका बाद में दिक्कत नहीं होगा। डरा भी सकते हैं, डरा हुआ भी कह सकते हैं कि डरा रहा है या धमकी दे रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं, या जो समझिए उस कह सकते हैं। तो यही आपको चेतावनी भी देता है, याद भी दिलाता रहता है कि पैसा दे दीजिए, टाइम होने वाला है, जल्दी से अपना गिरवी छुड़ा लीजिए, ऐसे करके आपसे बात करते रहेगा, याद कराता रहेगा।